स्वागत है दोस्तों टेक न्यूज़ के एक और एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन कौन से नए मोबाइल आज लॉन्च हुए हैं, यानी कि 22 मई को लॉन्च हुए हैं, और आगे भी आने वाले जो नए मोबाइल हैं वो कब लॉन्च होंगे उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ और नए प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, उनके बारे में भी हमें बात करेंगे कि कौन कौन से नए प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ट्रू अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों रियलमी की तरफ से। रियलमी ने अपने नए मोबाइल जो कि नार्जो सीरीज़ का है, रियलमी 10A, आज ऑनलाइन बिक्री के लिए स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज 22 मई है तो आज से दोपहर 12 बजे से ये मोबाइल ऑनलाइन बिक्री के लिए स्टार्ट हो गया है। आप इस मोबाइल को फ्लिपकार्ट या फिर रियलमी की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका बड़ा भाई रियलमी 10 जो था वो ऑलरेडी 18 मई से बिकना स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आज से आप इसे भी ख़रीद सकते हैं। मैं बता दूं कि इस मोबाइल में आपको 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज मिलती है, और ये जो मोबाइल है ये 8,499 रुपये में फ़िलहाल अवेलेबल है। इस मोबाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने डिटेल से इस पर वीडियो बनाई हुई है। तो मैं एक सीक्रेट आपसे और बता देता हूँ कि अगर आप इस मोबाइल को मोबीक्विक से ख़रीदेंगे तो आपको 500 रुपये का कैशबैक मिलेगा। सीक्रेट है, किसी को मत बताना, खरीद लेना चुपचाप, ठीक है। अब अगली न्यूज़ है दोस्तों टेक्नो स्पार्क मोबाइल से। तो टेक्नो स्पार्क ने अपना नया मोबाइल टेक्नो स्पार्क 5 अमेज़न पर आज लॉन्च कर दिया है, यानी कि 22 मई को ही लॉन्च किया गया है। तो इस मोबाइल को आप अमेज़न से ख़रीद सकते हैं। मैं बता दूं कि इस मोबाइल में आपको 6.6 इंच की बड़ी HD की डिस्प्ले मिलती है, 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, और इस मोबाइल में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। और स्टोरेज की बात करें तो 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ ही आपको मिलता है, और इस मोबाइल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 7,999 रुपये है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप इस मोबाइल को बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। इस मोबाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी आप आई बटन पर क्लिक करके ले सकते हैं, मैंने दूसरी वीडियो में इसकी पूरी डिटेल बताई हुई है। दोस्तों Redmi अपने नए मोबाइल Redmi 10X के साथ साथ 3 लैपटॉप भी लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 26 मई को लॉन्च होने वाले Redmi 10X मोबाइल के साथ साथ आपको 3 लैपटॉप भी देखने को मिलेंगे, और इन लैपटॉप में आपको 16 इंच की बड़ी डिस्प्ले और 16 GB ही रैम देखने को मिलेगी, और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 512 GB की स्टोरेज मिलेगी। 26 मई को ये लॉन्चिंग सुबह 11:30 बजे की जाएगी, और इस लैपटॉप में आपको 64 बिट का प्रोसेसर और विंडो 10 साथ में मिलेगी। वीवो ने अपने नए मोबाइल वीवो Y30 को मलेशिया के अंदर लॉन्च किया है, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मोबाइल जून के पहले हफ्ते में भारत में भी लॉन्च हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल में आपको 6.4 इंच की बड़ी HD डिस्प्ले और जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का, 2-2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे मिले जा रहे हैं। सेल्फी की बात करें तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी, 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिलेगी। तो ये मोबाइल फ़िलहाल मलेशिया के अंदर 15,810 रुपये में लॉन्च हुआ है। अब देखना ये है कि भारत में आखिर कब तक लॉन्च होता है और किस प्राइस में लॉन्च होता है। लगभग इसी प्राइस में लॉन्च होने वाला है, लेकिन अब ये देखना है कि कब तक आखिर इसे भारत में भी लॉन्च किया जाता है। दोस्तों ओप्पो ने अपने नए मोबाइल ओप्पो फाइंड X2 नियो को जर्मनी के अंदर लॉन्च कर दिया है। तो इस मोबाइल की जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसकी रैम है। इसके अंदर आपको 12 GB की रैम मिलेगी। तो इस मोबाइल की कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। इस मोबाइल में आपको 6.5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलेगी, प्रोसेसर इसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G का मिलेगा, और कैमरा इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलने वाला है, जिसके साथ आपको 13, 8 और 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, और सेल्फी की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, और बैटरी इसमें आपको 4,025 mAh की, 12 GB रैम मैंने आपको बता ही दिया है, जो कि आपको 256 GB स्टोरेज के साथ मिलेगी। तो ये फ़िलहाल जर्मनी के अंदर 58,000 के अंदर लॉन्च किया गया है। अब देखना ये है कि आखिर ये मोबाइल भारत के अंदर किस प्राइस में और कब तक लॉन्च होता है। मोटोरोला अपने नए मोबाइल मोटो G8 पावर लाइट को दोपहर 12 बजे 29 मई को फ्लिपकार्ट पे लॉन्च करेगी। तो मैं बता दूं कि इस मोबाइल में आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलेगी, जो कि आपको 8,999 रुपये में मिलने वाला है।
तो अगर आप मोटोरोला में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस मोबाइल को 29 तारीख को खरीद सकते हैं। Xiaomi अपने नए वायरलेस ऑडियो प्रोडक्ट को 26 मई को भारत के अंदर लॉन्च करने जा रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये ऑडियो जो प्रोडक्ट है इसके अंदर आपको फुल चार्ज करने पर 4 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ Xiaomi अपने Redmi AirDots को भी भारत के अंदर लॉन्च कर सकता है। दोस्तों MIUI 12 के टॉप फीचर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि MIUI 12 19 मई को ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया था। अब इसका जो अपडेट है वो आपके मोबाइल के अंदर 12 जून तक आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कंपनी दावा कर रही है। तो हम देख लेते हैं इसके जो हाईलाइट हैं वो क्या क्या निकल के सामने आए हैं। इसके अंदर आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन है वो देखने को मिलेगा, जो डिज़ाइन और एनिमेशन है वो आपको नए तरीके से देखने को मिलेंगे, मल्टीटास्किंग आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगी, और अल्ट्रा बैटरी सेवर का मोड है वो अलग से दिया गया है जिसमें आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाएगी, और जो ऐप डॉपर और डार्क मोड हैं वो दिए गए हैं जिससे काफ़ी सारे जो थर्ड पार्टी ऐप थे जो डार्क मोड नहीं होते थे वो भी अब इसमें होने लग जाएंगे। तो ये इसके हाइलाइट्स कुछ निकल के सामने आए हैं। दोस्तों ओनर के नए मोबाइल ओनर 9X Pro की सेल जो है वो आज सुबह से अर्ली सेल स्टार्ट हो चुकी है, और इस सेल में आपको 3000 रुपये की छूट मिल रही है। अगर आप ओनर के इस मोबाइल को ख़रीदना चाहते हैं तो तुरंत जाकर ख़रीद लीजिए, क्योंकि ये सेल सिर्फ 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल 17,999 रुपये में मिल रहा है, लेकिन इस छूट के कारण अब ये फ़िलहाल फाइनली प्राइस में 14,999 में आपको मिल रहा है। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो अभी जाके तुरंत खरीद लीजिए, क्योंकि ये सेल सिर्फ 24 घंटे के लिए ही अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल में आपको 6.5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले और जो प्रोसेसर है वो आपको किरण को का 810 का ओक्टा कोर का डिस्प्ले दिया जा रहा है, और जो रैम है वो 6GB रैम और स्टोरेज 256GB दी जा रही है। बाकी अगर आप और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल से पूरी वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों रियलमी अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट 25 मई को लॉन्च करने जा रही है। ऐसे में रियलमी की एक ईयरबड्स की कुछ तस्वीरें लीक होकर सामने आई हैं, और उसमें दिखाया गया है कि जो रियलमी का ईयरबड्स है यह ब्लैक कलर के अंदर आपको मिलेगा। तो ये ईयरबड जो है वो है QTWS मॉडल का ईयरबड्स, जो कि 25 मई को लॉन्च किया जाएगा, और ये ब्लैक कलर में आपको मिलेगा। इसके अलावा रियलमी का एक और रियलमी एयर नियो नाम से ईयरबड्स लॉन्च होगा, जो कि 2,999 रुपये के अंदर आपको मिलेगा। और ये बताया जा रहा है कि एयर नियो जो आपको 2,999 रुपये मिलेगा ये 3 घंटे के चार्ज में आपको 17 घंटे का बैटरी बैकअप देगा। तो ये ईयरबड जो हैं फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होंगे, और इसके अलावा आप रियलमी की वेबसाइट पे भी इन्हें खरीद पाएंगे। दोस्तों हुआई की सब कंपनी हुआमी अपने नए स्मार्ट वॉच अमेज फिट बीप एस को 3 जून को भारत के अंदर लॉन्च करने जा रही है। तो इस स्मार्ट वॉच में आपको हार्ट मॉनिटरिंग मिलेगी, 40 दिन का इसमें आपको बैटरी बैकअप मिलेगा, ये एक वाटर रेजिस्टर्ड होगी, इसमें आपको 200mAh की बैटरी मिलेगी जो कि मात्र 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी, और इसकी जो कीमत है वो 5,200 रुपये होगी। तो अगर आप एक स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इसे ज़रूर खरीद सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की टेक न्यूज़। दोस्तों आज मैंने जो मोबाइल बताए हैं, अगर इनमें से आपको किसी भी मोबाइल के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्दी ही उस पर डिटेल से वीडियो बना दूंगा और उस मोबाइल की सारी स्पेसिफिकेशन आपको एक नई वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।